अस्सलाम वालेकुम, जेबास किचन में वेलकम। आज हम दाल वड़े बनाना सीखेंगे, मूंग दाल वड़े। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा कप मूंग दाल ली है, 100 ग्राम। ये 1/4 कप का आधा चना दाल ली है और एक हरी मिर्ची ली है मैंने। ये दाल के साथ पीस लेंगे हम, दरदरा पीसना है। ये एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की। ये मेथी की भाजी है और थोड़ा सा हरा धनिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, आधा टीस्पून। नमक लिया है, आधा टीस्पून। लाल मिर्च ली है, हल्दी 1/4 टीस्पून ली है। अमचूर पाउडर लिया है मैंने, चाट मसाला लिया है, आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया है आधा टीस्पून। गरम मसाला लिया है 1/4 टीस्पून। खाता सोडा लिया है। आइए हम ये दालों को पीस लेते हैं, दरदरा पीसेंगे बाद में। फिर ये पीसने के बाद ये सब इंग्रेडिएंट्स हम उसमें मिलाएंगे। ये देखिए, हमने ये दाल को इस तरह से पीस लिया है, मोटा मोटा दरदरा। आप चाहे तो बारीक भी कर सकते, आपके हिसाब से रखें, आप जैसा खाना पसंद करते हैं। ये अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। सब चीज़ें मिला लेंगे हम अच्छी तरह से। इस तरह से मिला लेंगे हम, फिर इसके वड़े बनाएंगे। अगर आपका बाइंड नहीं होता है, थोड़ा सा आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अगर बाइंड नहीं हो रहा है, आपने बहुत बारीक पीसा है तो बाइंड नहीं होगा ये, तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इसके छोटी सी टिकिया बना के भी तल सकते हैं आप, बहुत टेस्टी दिखते हैं ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले। इस तरह से मिला लेंगे हम। ये देखिए, आप इसको इस तरह से टिकिया बना के तले। या आप बड़ी बनाना चाहते हैं बड़ी बनाएं, पतली बनाना चाहते हैं पतली बनाएं, आप जैसी खाना पसंद करते हैं वैसे बनाएं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। और मैंने दाल को 3 घंटे भिगाया था, आप ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं, या जल्दी हो तो 3 घंटे भिगाएं, 3 से 6 घंटे। ये देखिए, आप इस तरह से सारे बना के डाल दीजिए तेल में। ऑयल गरम हो चुका है हमारा। इस तरह से सारे डालने के बाद आप इसे लो फ्लेम पे तल लीजिए। ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से हो रहे हैं। मैंने अब गैस के फ्लेम को लो कर लिया है, थोड़ा अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। थोड़ा फ्लेम को लो करें। ऊपर से भी देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, इसको रेड कलर आ रहा है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से हो चुके हैं ये। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर दूसरे बाकी के तल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारे तैयार हो चुके हैं वड़े, गर्मा गर्म मैंने सर्व कर लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी।